करते हैं, बात करते करते ये दो प्लेयर्स यहाँ पे नॉकआउट हो चुके हैं और इसी के साथ पूरी की पूरी आई थिंक स्क्वाड जो है वाइप आउट हो चुकी है। गिल अभी तक हाउएवर स्टिल सर्वाइविंग है। बीएससी क्रॉलर्स के लिए ये एक बेहतरीन चिकन डिनर देखने को मिल सकता है। सीजी ने वहां पे ज़ीब्रा को भी नॉक कर दिया स्प्रेड आउट करते हुए। सीजी पीछे की तरफ से बॉम्बर के ऊपर भी बहुत ही बेहतरीन नॉक निकाले। आइकॉनिक अभी भी बचे हैं, उनके स्क्वाड की तरफ से एक अच्छा एंगल निकाल रखा है। ईवो हाउएवर पुशिंग करते हुए आइकॉनिक स्पॉट करेंगे, आइकॉनिक नॉक करेंगे, बट पीछे की तरफ से डार्क भी यहाँ पर सपोर्ट पाए दे सकते हैं। एचपी ने एक बहुत ही चीकी फ्लैंक ले रखा है। अगर एचपी का ये फ्लैंक सक्सेसफुल हो जाता है तो कुछ बेहतरीन गेम प्ले देखने को मिल सकता है। अभी को भी यहाँ पे आइकॉनिक ने नॉक करते, तीन प्लेयर्स को यहाँ पे आइकॉनिक का बहुत ही बेहतरीन नॉक मिलते हुए। पावर हाउस के आइकॉनिक यहाँ पे ओकेजन आता हुआ जहां पे जरूरत पड़ी कितना बेहतरीन गेम प्ले का प्रदर्शन दिखाया है यहाँ पे बीएससी क्रॉलर्स के। एचबी लास्ट प्लेयर अभी बचे, पावर हाउस के प्लेयर्स यहाँ पे उनको पता चल चुका है, तीन प्लेयर्स को नॉक कर चुके, एक ही प्लेयर बचे। देखते हैं क्या एचबी यहाँ पे क्लच आउट कर पाएंगे। 1v2 का सिचुएशन है, एचबी का यहाँ पे पोजीशन मिल चुका है। डार्क यहाँ पे स्प्रे डाउन करते हुए पिन डाउन हो चुके हैं। यहाँ पे आइकॉनिक राइट हैंड साइड पुश इन करेंगे। देखते हैं यहाँ पे गेम ऑलमोस्ट खत्म होने को आ चुका है, एचबी के ऊपर काफी ज्यादा निर्भर रहेंगे। एचबी का यहाँ पे बहुत ही प्यारा नॉक आता हुआ यहाँ पे डार्क की तरफ आइकॉनिक और एचबी के बीच में यहाँ पे 1v1 फाइट और यहाँ पे काफी ओपन में स्पॉट आउट कर लिया आइकॉनिक का यहाँ पे बहुत ही बेहतरीन फर्स्ट स्प्रे के साथ M16 के साथ। जस्ट लुक एट द बॉल्स ऑफ दिस मैन, क्या बेहतरीन गेम प्ले क्रैट। और